मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा विभाग की तर्ज पर प्रदेश के मदरसों में निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 2 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे लाभान्वित। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की दिलाई शपथ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में गोवा मूल के राजस्थान में निवासरत लोगों से किया संवाद। कहा, गोवा से आए लोगों ने राजस्थान की खानपान, भाषा, बोली में रच बस कर संस्कृति को सहेजा। राज्य सरकार की ओर से राजकीय कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के 13 प्रकरणों में दी गई शिथिलता। बालिग होने के 3 वर्ष की विलंब अवधि में दी गई छूट। विश्व तंबाकू दिवस कल, प्रदेश भर में होगी जागरूकता गतिविधियां। सीकर में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति किया जा रहा है जागरूक। राजस्थान कांग्रेस में खींचतान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट दिल्ली तलब। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से दोनों नेताओं ने की मुलाकात। भारत सरकार की टीम ने सीकर में किया अर्बन पीएससी का निरीक्षण। राष्ट्रीय गुणवत्ता आवासन कार्यक्रम के तहत व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बूंदी में आयोजित की गई जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक। बूंदी के विकास पर परिषद सदस्यों ने किया मंथन। विधानसभा में 53 अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति के आदेश हुए जारी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने पदोन्नत अधिकारियों और कर्मचारियों को दी बधाई और शुभकामनाएं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने ली बजट घोषणाओं के लिए समीक्षा बैठक। अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए दिए निर्देश। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा सचिव से की मुलाकात। ओपीएस लागू करने के लिए कर्मचारियों का पैसा ईपीएफओ से नियोक्ता द्वारा दिए जाने का किया आग्रह। भारतीय मानक ब्यूरो की टीम द्वारा जयपुर के दूधों में की गई कार्रवाई। लाइसेंस और घटिया क्वालिटी का पानी देने पर कंपनी उत्पाद को किया जब्त। प्रदेश भर में आज मनाया गया गंगा दशहरा का पर्व। भरतपुर के गंगा मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लगी रही कतारें। आयोजित किए गए विशेष धार्मिक आयोजन। नेहरू युवा केंद्र की ओर से धौलपुर में जिला युवा उत्सव का किया गया आयोजन। विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए आयोजित। और जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इन दिनों चल रहे ग्रीष्मकालीन शिविर में बच्चों को विशेषज्ञ विभिन्न विधाओं का दे रहे हैं प्रशिक्षण। समर कैंप में चित्रकला, वाद्य यंत्र सहित 14 विधाओं में बच्चों को किया जा रहा है पारंगत।